बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि सब अच्छे होंगे। अल्लाह पाक आप सबको बहुत खुश रखे, हर तरह के बीमारों और परेशान से बचाए, आमीन सुमामीन। तो चलिए आज के व्लॉग को फटाफट से करते हैं स्टार्ट। और आज का व्लॉग हमारा स्टार्ट होता है जेड स्क्वायर मॉल से। और सिस्टर गई हुई थी जेड स्क्वायर मॉल जब वो खाला के यहाँ मतलब गई थी, मैंने आपसे वीडियो भी शेयर किया था। तो हम खाला के घर जाए और खाला हमें घुमाने ना ले जाए, तो ऐसा तो हो नहीं सकता है। वेल हम नहीं थे, मतलब मैं और बड़ी सिस्टर नहीं थी, तो छोटी सिस्टर चली गई खाला के साथ जेड स्क्वायर मॉल घूमने के लिए। और अभी ना दिवाली और दशहरा सबकी डेकोरेशन हो रखी है मॉल में, तो काफ़ी ज़्यादा रौनक लग रही है, काफ़ी सुंदर लग रहा है। डोमिनोज से जो है वो सिस्टर ने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया और साथ में जो है वो मिल्क शेक एंड को से रेड वेलवेट ड्रिंक भी जो है वो अपनी ऑर्डर करी। मतलब मज़े मज़े की चीज़ें हमारे बिना जो है वो इंजॉय हो रही थी, और हमें कैसे पता चल रहा है व्हाट्सएप वीडियोस से। तो कुछ व्हाट्सएप वीडियोस सिस्टर ने भेजी ना, तब हमें पता चला अच्छा इतना मज़े करके आए हैं ये लोग। हमारा ना शुरू से यही होता है कि जब हम में से कोई एक नानी के घर या खाला के घर होता है, तो पीछे से दो तीन लोग जो हमारे घर में रह जाते हैं ना, वो अपने अपने मशरूफियत बताते हैं कि आज मैंने ये किया था, तुम तो घर में थी नहीं। और फिर हम अपनी मशरूफियत बताते हैं कि हमने भी नानी के यहाँ इतना मज़ा किया, ये खाया वो खाया, यहाँ गए वहाँ गए। आई एम श्योर कि आपके सिबलिंग के साथ भी कुछ ऐसा ही होता होगा, तो मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा। प्यारे प्यारे कॉमेंट ज़रूर किया करें। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दिया करें। मेरे चैनल को बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है आपकी, क्योंकि बहुत ही व्यूज़ कमा आ रहे हैं मेरे चैनल पे, और मैं बहुत ही मेहनत करती हूँ एडिटिंग करने में और आपसे अपने छोटे छोटे प्यारे प्यारे मोमेंट शेयर करने में। तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करें और साथ में मेरा सपोर्ट करें। और आप ही मेरी कम्युनिटी हैं जो अभी 520 कम्युनिटी मेरी हुई है, मुझे बहुत खुशी हो रही है। लेकिन मुझे उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है जितना मतलब एक आम यूट्यूबर को इस टाइम पे इतनी जल्दी मिलने लगता है। वेल यहाँ पे सिस्टर ने जो है वो बड़ा ही इन्जॉय किया खाला के साथ और हमारे कज़िन्स के साथ पिज़्ज़ा पार्टी करके। दूसरी तरफ हम घर में मखाना फ्राई करके खा रहे हैं और सिस्टर जो है वो डोमिनोज का पिज़्ज़ा इन्जॉय कर रही है, वो भी जेड स्क्वायर में जा करके। कोई बात नहीं, हम भी जाएंगे जेड स्क्वायर कुछ दिनों में, जैसे अम्मी की तबीयत ठीक हो जाती है, अम्मी की आंखें ठीक हो जाती है, तो फिर हम भी मज़े करके आएंगे। लेकिन इस बार ना सिस्टर को नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि उसका कोटा तो पूरा हो गया है जेड स्क्वायर जाने का। मैं ना काफ़ी दफ़ा जेड स्क्वायर गई हूँ, लेकिन ना मैंने कभी इस एरिया की ज़्यादा वीडियो नहीं बनाए, क्योंकि बहुत ही मतलब पुराना हो गया ये एरिया। हालांकि नया जो है वो इसमें फ़िश बार बार न्यू डाली जाती है, तो मैं ना एक टाइम पे बहुत वीडियो बनाती थी जब मैं व्लॉग्स नहीं बनाती थी, तो मैं बोर हो गई थी बना बना के, तभी मैंने इस एरिया को कभी दिखाया नहीं है। लेकिन आज मैं दिखा रही हूँ, सिस्टर दिखा रही है एक्चुअली, बल्कि मेरा भाई दिखा रहा है, वही वीडियो शूट कर रहा है, उसी के फ़ोन से वीडियो शूट हो रही है। इतनी ज़्यादा क्लियर और अच्छी वीडियो शूट हो रही है ना, आप ये देखें। मैं तो फ़ोन लेने की सोच रही हूँ, तो मैं इंशाल्लाह यही फ़ोन लूँगी, क्योंकि मुझे बड़ा पसंद आ गया इसका कैमरा क्वालिटी। और ये फिश को देखे कैसे मतलब बिल्कुल घूरती जा रही है कि मेरी वीडियोज़ बन रही हैं, तो मैं थोड़ा सी एथिकेट्स में रहूँ। और यहाँ पर काफ़ी सुंदर सुंदर फिश थी। आपको भी जेड स्क्वायर मॉल विज़िट करने गए हैं क्या, मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा। वैसे तो मैं लूलू मॉल भी गई हूँ, रेव मोती भी गई हूँ, और जेड स्क्वायर मॉल भी गई हूँ, साउथ एक्स भी गई हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा मेरा मोस्ट फेवरेट जो मॉल है वो जेड स्क्वायर मॉल है। यहाँ मैं जितनी बार भी आ जाती हूँ मेरा मन ही नहीं भरता, और हर बार ना कुछ न्यू जो है वो हो रखा होता है। जैसे कि ये चेरी ब्लॉसम का प्लांट देख लें,
बहुत सुंदर लग रहा है। मतलब मैं तो यहाँ पर सिर्फ फ़ोन में ही अभी देख पा रही हूँ, जब जाऊँगी ना तो फिर वो नज़ारे अलग होंगे। और मुझे ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है यहाँ आके, बहुत ही रिलैक्सिंग फील होता है एक्चुअली। मतलब बिल्कुल ऐसा शोर वाला नहीं होता, और हम लोग ऐसे टाइम पे आते भी नहीं हैं जैसे 1 जनवरी को बहुत भीड़ होती है, 30 दिसंबर को बहुत भीड़ होती है, या कोई सा फंक्शन होता है, या ईद होती है, फेस्टिवल होता है या ईद होती है, बहुत भीड़ होती है, तब हम नहीं आते हैं। कुछ मतलब ऐसे हल्के फुल्के टाइम में आते हैं जहाँ पर ना ज़्यादा भीड़ ना हो, पीसफुल लगे। तो सारा सब एक्सप्लोर करते हुए खा पी के, तो सिस्टर और खाला हमारी कज़िन सब लोग जा रहे हैं अभी घर की तरफ। तो ना मैंने सोचा आज व्लॉग में आपसे यही शेयर कर दे, इतनी अच्छे अच्छे वीडियोज़ हैं मेरे पास और मैं इसको मिस कर दूँ तो ऐसा तो हो नहीं सकता है। मेरे पास ना रामलीला की भी वीडियो थी, लेकिन वो मुझसे गलती से मतलब शेयर ही नहीं हो पाई भाई के फ़ोन से। तो मैं कोशिश करूँगी इसको लेने की और आपसे शेयर करने की, और बहुत ही अच्छी वीडियो बनी थी। तो सिस्टर जो शेक लेकर के आई थी वो भी उसने घर पे ही बैठ कर के सबके साथ इन्जॉय किया। तो इसी के साथ ये था मेरा आज का व्लॉग। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे साथ आप भी घर बैठे बैठे जर स्क्वायर घूम लिए हैं, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अपनों को ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।